एकता कपूर की इस बड़ी एक्ट्रेस को हुई है बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी। इस बीमारी की खबर इस एक्ट्रेस ने खुद ही सोशल मीडिया पर शेयर की है। कौन है ये एक्ट्रेस, हम आपको टीवी तमाशा पर बताएंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। टीवी का ये बहुत बड़ा नाम है, एकता की फेवरेट एक्ट्रेस में इसका जिक्र होता है। हाल ही में इसको एक जानलेवा बीमारी हुई है जिसकी खबर शेयर करते हुए इस एक्ट्रेस ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट को पढ़कर आप भी रो पड़ेंगे। दरअसल इस एक्ट्रेस का नाम है छवि मित्तल। जी हाँ, वो छवि मित्तल जिन्होंने एकता कपूर की बंदनी से लोगों का दिल जीत लिया था। जी टीवी पर आने वाले नागिन में वो नजर आई थी। इसके अलावा उन्होंने तीन बहू रानियां, घर की लक्ष्मी बेटियां, एक चुटकी आसमान, विरासत और कृष्णदासी जैसे सीरियल्स में काम किया है। हाल ही में छवि ने एक पोस्ट से सभी को चौंका दिया। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही हैं जो जानलेवा जरूर है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारेंगी। छवि ने इस बीमारी के बारे में एक पोस्ट शेयर की है और उसमें उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने इस पोस्ट पर लिखा, पहली बार मैंने आपका मैजिक देखा जब आपने मुझे खुश होने का मौका दिया। आपका महत्व तब और भी बढ़ गया जब आपने मेरे दोनों बच्चों को फीड कराया। आज मेरी बारी है उन लोगों के साथ खड़ा होने की जो कैंसर से लड़ रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं हुई है, लेकिन इससे मैं अपना हौसला टूटने नहीं दूंगी। हो सकता है कि फिर मैं पहले से ना दिखूं, लेकिन मुझे अलग महसूस कराने की ज़रूरत नहीं है। सभी कैंसर सर्वाइवर्स के लिए चीयर्स। आपको नहीं पता कि मैं आपसे कितनी प्रेरणा लेती हूँ। अंत में वो लिखती है कि आप सभी के मैसेज और कॉल के लिए शुक्रिया। छवि मित्तल टीवी का बड़ा नाम रह चुकी है, एकता की भी वो करीबी मानी जाती है। टेलीविजन में अपनी पहचान बनाने के बाद उन्होंने SIT नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था और अपने वीडियोस के जरिए वो फैन से कनेक्टेड थी। वो लोगों की फेवरेट ब्लॉगर बन गई थी। उम्मीद करते हैं कि छवि कैंसर जैसी इस बीमारी को मात देकर वापसी करेंगी। आप सभी उन्हें क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दरअसल इस एक्ट्रेस का नाम है छवि मित्तल। जी हाँ, वो छवि मित्तल जिन्होंने एकता कपूर की बंदनी से लोगों का दिल जीत लिया था। जी टीवी पर आने वाले नागिन में वो नजर आई थी। इसके अलावा उन्होंने तीन बहू रानियां, घर की लक्ष्मी बेटियां, एक चुटकी आसमान, विरासत और कृष्णदासी जैसे सीरियल्स में काम किया है। हाल ही में छवि ने एक पोस्ट से सभी को चौंका दिया। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही हैं जो जानलेवा ज़रूर है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारेंगी। छवि ने इस बीमारी के बारे में एक पोस्ट शेयर की है और उसमें उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने इस पोस्ट पर लिखा,
पहली बार मैंने आपका मैजिक देखा जब आपने मुझे खुश होने का मौका दिया। आपका महत्व तब और भी बढ़ गया जब आपने मेरे दोनों बच्चों को फीड कराया। आज मेरी बारी है उन लोगों के साथ खड़ा होने की जो कैंसर से लड़ रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं हुई है, लेकिन इससे मैं अपना हौसला टूटने नहीं दूंगी। हो सकता है कि फिर मैं पहले से ना दिखूं, लेकिन मुझे अलग महसूस कराने की ज़रूरत नहीं है। सभी कैंसर सर्वाइवर्स के लिए चीयर्स। आपको नहीं पता कि मैं आपसे कितनी प्रेरणा लेती हूँ। अंत में वो लिखती है कि आप सभी के मैसेज और कॉल के लिए शुक्रिया। छवि मित्तल टीवी का बड़ा नाम रह चुकी है, एकता की भी वो करीबी मानी जाती है। टेलीविजन में अपनी पहचान बनाने के बाद उन्होंने SIT नाम से एक YouTube चैनल शुरू किया था और अपने वीडियोस के जरिए वो फैन से कनेक्टेड थी। वो लोगों की फेवरेट ब्लॉगर बन गई थी। उम्मीद करते हैं कि छवि कैंसर जैसी इस बीमारी को मात देकर वापसी करेंगी। आप सभी उन्हें क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।